वेलकम बैक टू माय चैनल गुटर मुटर ब्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ, एक पूजा है तो वहीं जा रही हूँ। आजकल हर ब्लॉग मेरा पूजा से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं जा रही हूँ पूजा। कोई एक मेरी आंटी है तो वो बुलाई हैं हमको और मेरे बच्चे को, तो हम लोग जा रहे हैं वहीं पूजा में। तो देखते हैं कौन सा पूजा है, क्योंकि ज़्यादा हमको डिटेल में नहीं पता है। शायद बोल रही थी कोई कन्या भोज है, तो पता नहीं इस टाइम पे कौन सा भोज होता है, हमको ज़्यादा कुछ पता है नहीं। तो चलते हैं आंटी से पूछते हैं कि क्या कैसे है। तो चलिए मिलते हैं। और काफ़ी धूप है, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप है, इसी धूप में जाना है। तो बच्चा निकल गया है नीचे देर से। बाबू खाना खा लिए? मैं खाना कैसे खाऊं? क्या खा लो? मैं खा लूं पूरी और पनीर। हाँ, आज कन्या भोज था तो। और मैं पनीर का दूध खाया। कन्या के साथ भैरव बाबा भी रहते हैं ना? मैं पनीर का दूध खाया था। हाँ, तो पूरी खा लिए बाबू, पनीर का जूस खा लिए और दादी से सेवा भी करवा लिए। और दादी ने बाबू को क्या दिया? दादी दीदी मुझे पैसा। पैसा और प्लेट कटोरी खाना खाने के लिए और बनाना। दादी ने बाबू को फ्रूट्स भी दिए हैं। मामा बाबू चलो ना। चल रहा है। हाँ, चलो आ, मैं चल रहा हूँ। तो कन्या भोज हो गया। इतने सारे बच्चा है, पूरे हंगामे मचे हैं यहाँ पे। जहाँ बच्चे इकट्ठे होते हैं वहाँ हंगामा हो जाता है। चप्पल जाओ लाओ। नहीं, अंदर चप्पल नहीं आता है। दादी घर में चप्पल नहीं आता है बाहर से। क्या हुआ? क्या है? ले लो ले लो ले लो, ऊपर चढ़ के ले लो। ले, इतना जिद कर रहे हैं बच्चे। आ रहे हैं आंटी। आंटी बुला रही है फोटो लेने के लिए। अरे नहीं, वो नहीं लो, वो चाचू का है। चाचू का हेलो करो। हेलो हेलो हाथ से हेलो।
है मेरी फेवरेट आंटी जो हमेशा बुलाती रहती है। तो आंटी का फोन गया तो हमको समझ में नहीं आया कि इस मतलब अभी कौन सा कन्या पूजा, सावन के महामास का कन्या पूजा। तो हमको समझ में नहीं आ रहा था। हेलो हेलो कर ये हम लोग का ग्रुप है। हम जा रहे हैं आंटी के साथ रील बनाने। अरे ये सालू सालू बनाओगे रील? रील रील पे भी वो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। मेरा आईडी है बिमला यादव 03। तो उस पर बहुत अच्छा अच्छा रील है सबका। अच्छा टैडी बनाना खाएगा बाबू? बनाना नहीं खाएगा, टैडी बनाना खाएगा। बनाना इनका फेवरेट है लेकिन अभी टैडी को खिलाएंगे, खुद नहीं खाएंगे। शाम के 5 बज रहे हैं, अभी हम लोग यहीं हैं, अब जाएंगे घर। वो आंटी घर में इतने बड़े बड़े शेर हैं, दिखाते हैं आपको। अंदर है, अंदर बंद किया हुआ है। इतने बड़े बड़े डॉगी हैं, कम से कम 4 ठो है। 4 में एक अभी ख़त्म हो गया है, 3 ठो है। तो अंदर बंद करके रखे हैं, इतना हंगामा कर देते हैं वहाँ। बच्चे हैं ना तो डर जाते हैं, इसलिए आंटी ने अंदर बंद कर दिया है। अभी हम लोग चलेंगे घर। मैं अभी वहाँ से घर आई हूँ और घर आके मैंने चेंज किया और चाय बना रही हूँ। मेरा चाय भी बन गया है। और आंटी ने बच्चों को कह दिया कन्या भोज में, कन्या के साथ ये भी गए थे तो ये मिला है हम लोगों को 2 प्लेट। और इसके साथ फल फ्रूट भी था और कुछ मिठाई भी था, तो ये मिला है हम लोगों को वहाँ कन्या भोज में। तो हमको पता नहीं था कि इस सावन के महीने में कोई कन्या भोज होता है, लेकिन आंटी ने बताया कि कुछ होता है अधिक मास में, तो वही पूजा हो रही थी। अब चलते हैं चाय पीने। तो यहाँ मेरी चाय बन गई है और मैं अपने लिए और मम्मी के लिए चाय छान ले रही हूँ। तो चाय पीते हैं, उसके बाद शाम के 7 बज रहे हैं तो डिनर की भी तैयारी करनी है। तो चाय पीने के बाद देखते हैं कि क्या बनाएंगे डिनर में। ये हमेशा का प्रॉब्लम होता है सबके साथ कि समझ में नहीं आता है क्या बनाए क्या बनाए। तो चलते हैं पूछेंगे क्या बनना है। तो मैंने कल नहीं, 3-4 दिन हो गया जब मैं कुकर लेके आई थी, उसके साथ ये डब्बा लाई थी चूड़ी रखने के लिए। तो अभी टाइम थोड़ा सा है तो चलते हैं, थोड़ा चूड़ी इसमें लगा लेंगे। वैसे डब्बा मेरे पास बहुत सारे हैं, छोटे छोटे हैं ये, तो इसमें निकाल के पहनने में बड़ा दिक्कत होता है। अलग अलग है, ऐसे ढूंढना पड़ता है, अलग अलग जगह से निकालना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि इसी डब्बे में एक साथ रख देंगे, एक ही साथ निकाल के फिर पहनेंगे, इसमें बहुत सारी चूड़ी आ जाएगी एक साथ। ये सब सेफ है, अच्छे अच्छे मतलब अच्छे से डब्बे में रखा हुआ है, लेकिन एक जगह रहेगा तो सही रहेगा पहनने में। देखिए एक हाथ से पकड़ के पूरा गिर गया, बच गया, टूटा नहीं है, बच गया सब। सब बच गया, एक भी नहीं टूटा। हमको स्टैंड के बिना बहुत दिक्कत हो रही है। मैं सोच रही हूँ कि एक स्टैंड लाऊं फोन को पकड़ने का। वो ऐसे तो बड़ा वाला है मेरे पास, एक तो बड़ा वाला एक है, छोटा सा स्टैंड लावे से रख के और आसानी से वीडियो बन जाए। तो ऑनलाइन मंगाऊँ कि ऑफलाइन ले लूँ ये नहीं समझ में आ रहा।
फिर ऑनलाइन मंगाऊंगी तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो किसी दिन चलते हैं ऑफलाइन लेने दुकान से। चलिए चूड़ियों को लगा लेते हैं, और इसको देखना पड़ेगा कि मेरे इसमें आ रहा है कि नहीं, किसी में रखना है ड्रेसिंग टेबल में, इसमें तो नहीं आएगा, ये वाले में आना चाहिए, इसमें देखते हैं, इसमें आ जा रहा है, इसको बंद करके देखते हैं। अरे वाह बंद भी हो गया, तो सही है, फिर इसमें चूड़ियाँ लगाते हैं। तो इसमें ना बहुत सारी चूड़ियाँ मेरी शादी के टाइम का है, मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, अभी तक मैंने सब सारी चूड़ियाँ संभाल कर रखी हुई है, वैसे के वैसे शाइनिंग है इसमें, तो बहुत अच्छे से मतलब पहनती हूँ, तुरंत निकाल कर उसको पैक करके रख देती हूँ। तो चूड़ियों का क्या है ना कि उसमें हवा लग जाए और पानी लग जाए तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो ज़्यादा मतलब बाहर ऐसे अच्छे डब्बे में पैक करके रखने से वो सही रहते हैं। तो ये सब कड़े हैं, और मेरे पास तो और भी बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, बड़ा सा बैंगल बॉक्स है उसमें पूरा भरा पड़ा है, और भी इधर उधर कहीं कहीं रखा हुआ है, तो मैंने सोचा है कि एक और डब्बा लाएंगे बहुत बड़ा वाला, और उसमें उसको सही से करके रखेंगे इकट्ठा, तो कहीं कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, तो इसको मैंने पैक कर दिया है। और इतनी सारी चूड़ियाँ है, बहुत सारी तो मेरी मम्मी ऐसे मैं उसके यहाँ जाती हूँ मम्मी के यहाँ, तो वो लेके दे देती है, या कभी कभार उस मम्मी का चूड़ी पसंद आ जाता है तो लेके चले आते हैं। और ये मेरे पास देखिए शादी से पहले का ये छोटा सा हेयर एक्सेसरीज है, तो इसको मैंने अभी तक संभाल कर रखा हुआ है, वैसे के वैसे है, तो इतना अच्छा लग रहा है देख के इसको छोटा सा एकदम, तो अभी तक एक भी मोती नहीं निकला हुआ है इसमें, तो वैसे का वैसा ही है, तो इसको अभी भी रख दे रही हूँ संभाल। हाय गाइस, तो मैं आ गई हूँ सीधे किचन में, और ये मैंने बनाया है सब्जी, आलू और सोयाबीन बड़ी का ग्रेवी वाला सब्जी बनाई हूँ, रोटी बना कुछ बन गया, थोड़ा सा ही और बनाना है, और मैं सबके लिए खाना निकाल रही हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो गया था तो ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, मेरे पास स्टैंड भी नहीं है तो बहुत दिक्कत होती है वीडियो बनाने में, तो पहले स्टैंड ले लूँगी तो प्रॉपर किचन का वीडियो शेयर करूँगी आपसे, और ना बच्चे वहाँ से आते ही इतना थके थे मतलब खेल के, वहाँ से आते ही सो गए, तो आज थोड़ा जल्दी ही सो गए, तो फिर उठेंगे तो उनके लिए मैं कुछ खाना बना के रख दूँगी, उठेंगे तो खा लेंगे, अगर जग जाएंगे तो, नहीं जगेंगे तो फिर दूध दे दूँगी, और आज लेट भी हो गया था बहुत ज़्यादा, तो जल्दी जल्दी खाना बनाई मैं, और चलते हैं, और मैंने प्लेट लगा देती हूँ सबका, काफ़ी टाइम हो गया है, तो ये थोड़ा सा सब्जी रोटी ये अचार, और इधर मैंने रखा है दही जमाने के लिए दूध, ये गर्म करके रखे हैं, रात में बाबू पीते हैं तो उन लोगों के लिए, ये खाना खाते हैं और मिलते हैं।